आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, डैश की अंगुलियों में नाखून नहीं होते। देखिए, नाखून कब होंगे? जब अंगुलियां होंगी। तो देखते हैं, जरा थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे पैर होते हैं, पैर और हाथ, वो संपूर्ण जो विकसित होते हैं, किसमें होते हैं? संग कार्डेटा में जो जीव आते हैं, उनके अधिकतम जो पैर होते हैं, हाथ होते हैं, वो विकसित होते हैं। ठीक है, आगे हम भी बात करें संग कार्डेटा में, इनमें जो वर्ग होते हैं, पांच वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला वर्ग है आपका, जिसमें पहला वर्ग है अपने पक्षी वर्ग आता है, एवीज पक्षी वर्ग। दूसरा आता है आपका सरीसृप। आगे आता है आपका तीसरा वर्ग, आता है आपका जो आपका एम्फीबिया, जिसे उभयचर भी कहते हैं। अगला आता है आपका चौथा आपका था इसमें कौन सा? मत्स्य वर्ग आता है। अंतिम आपका आता है कौन सा? स्तनधारी। देखिए भाई, जितने भी स्तनधारी होते हैं, उनमें अधिकांशतः सब में क्या होते हैं? सब में अंगुलियां होती हैं, नाखून भी होते हैं। और सभी में क्या होते हैं? सभी की अंगुलियों में नाखून पाए जाते हैं, इनमें तो नाखून होते हैं। मत्स्य में इनमें जो रूपांतरण होता है पैरों का या अग्र हाथों का, वो फिन में होता है, चापू में, जिसे चप्पू बोलते हैं। ठीक है, जो पक्षी होते हैं, इनके जो पंख हैं, वो हाथों रूपांतरण होते हैं, पैर में तो नाखून होते हैं इनके। ठीक है, लेकिन किसमें नहीं होते? बात है जानवरों की, चलिए मत्स्य तो मछलियों इसमें तो नहीं होनी चाहिए, इस संधारी में सभी होते हैं। ठीक है, इनमें जो उंगलियां हैं, इनमें फिन होते हैं, इनमें उंगलियों का रूपांतरण नहीं होता। ठीक है, एम्फीबिया में उंगली तो होती है, लेकिन इनमें नाखून नहीं होते। तो ये सही जो इसका आंसर हो क्या होगा? एम्फीबिया इसका सही उत्तर होगा। ओके स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।